हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विपुल, स्वागत करता हूँ मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेपोटेक पे। और बात कर लेते हैं पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में। हमारा पहला बैच एंड हो चुका है और उसका वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगा कि पहले बैच में क्या क्या हुआ और उस मेंबर्स में आपको क्या बातचीत थी। थोड़ी बहुत मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा और उनका बैच जा चुका है और जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है वो 30 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल रजिस्ट्रेशन करके ट्रेन बुक करके आ ही जाइए, क्योंकि इसके बाद अगला बैच शायद अप्रैल वगैरह में शायद चालू हो। अभी तो मार्च वगैरह में चालू नहीं होगा, फरवरी में ये लास्ट बैच है। इसके आगे फिर बैच स्टार्ट अभी अप्रैल वगैरह में होंगे। तो उसके लिए अगर आपको कांटेक्ट करना है तो नीचे दिए गए नंबर व्हाट्सएप पे ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में आपको बताना होगा हम इंटरेस्टेड हैं, और आपको कुछ एडवांस पेमेंट करनी होगी। बाकी आप आके यहाँ पर दे सकते हैं पेमेंट। ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपको आपसे पूरी पेमेंट ले ली जाएगी, उसके बाद ही आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम में एंट्री मिलेगी। और जिन लोग को 20,000 रुपीज़ या 25,000 रुपीज़ ज़्यादा लग रहे हैं तो वो अपना जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो आप काम करते हैं तो आपको ये जो नॉलेज मिलने वाला है वो मोर देन इनफ है कि आपसे अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे और बहुत सारी गलती करने से बचेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग मशीन रखी हुई, जिसकी कीमत हमने आपको वीडियो जितने भी प्रोडक्ट्स आपको चाहिए हमारे पास से तो उसका प्राइस लिस्ट हमने वीडियो के थर्ड मिनट पे अपलोड करके रखा हुआ है। वीडियो को थर्ड मिनट तक अगर आपको सिर्फ प्राइस देखना है तो आप वीडियो के सीधे थर्ड मिनट पे चले जाइए, आपको वीडियो का प्राइस मिल जाएगा। बाकी के करके मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ कौन कौन सी मशीन है, कहाँ वो किस लिए इस्तेमाल होती है। तो पहले ये स्पॉट वेल्डिंग मशीन है जिससे आप स्पॉट वेल्डिंग कर सकते हैं। 8,500 रुपीज़ प्राइस है, और आपको बहुत हैवी वाली चाहिए है न्यूमेटिक कंट्रोल वाली तो उसकी प्राइस रहेगी करीब 45,000 रुपीज़। तो उसका फोटो आपको आपको स्क्रीन के सामने दिख जाएगा, वो 45,000 के आसपास उसकी प्राइस रहेगी। तो वो भी आपको मिल जाएगी अगर उसको आपको चाहिए। 8,500 रुपीज़ की है, बहुत पोर्टेबल डिज़ाइन है। और दूसरी ये मशीन है चार्ज डिस्चार्ज मशीन, इसको मैंने कई वीडियो पे दिखाया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है मशीन है। अगर आप काम करते हैं तो इससे आपको बैटरी कैपेसिटी वगैरह का सारे सही का अंदाज़ा लग जाता है कि बैटरी कितने के एम्पियर चार्ज हो रही है, कितने एम्पियर डिस्चार्ज हो रही है। अगर आपको ये मशीन आपको अगर महंगी लगती है तो इसकी प्राइस लगभग लगभग 45 से 42 के आसपास रहेगी, डिपेंडिंग ऑन आप उसके साथ और क्या क्या लेते हैं। अगर आप उसको मशीन को नहीं लेना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, ये छोटे छोटे जो रहे ये बैटरी कैपेसिटी वो उसको बोलते हैं एनर्जी मीटर है, डीसी एनर्जी मीटर, इसकी मदद से और इन सारी चीज़ों की मदद से मतलब इसकी और इसकी मदद से अपने पुराने वीडियो पे मैंने आपको बताया हुआ कि वो कौन सी मशीन है, वो आप करीब 4,000 रुपीज़ में पड़ जाएगी, अराउंड 1/10 कॉस्ट रहेगी, मतलब 10 गुना आपको वो सस्ती मशीन। मशीन पड़ जाएगी, चार काम इसी के जैसा करेगी। इसकी उसकी ऑपरेटिंग रेंज रहती है सिर्फ 12 से 80 वोल्ट के आसपास ऑपरेटिंग रेंज रहती है। एक बैटरी से वो दूसरी बैटरी को चार्ज करती है, एनर्जी वेस्ट नहीं होती इसमें, एनर्जी वेस्ट होती है लेकिन ये इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा आसान है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मशीन जो है वो पैक रखी हुई है कस्टमर एंड पे जाने के लिए, और ये दूसरी जो ये आप देख रहे हैं यही मशीन अंदर है पैक हुई है कस्टमर एंड को जाने के लिए। और ये है इसको बोलते हैं IR टेस्टिंग मशीन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैटरी बनाने का काम शुरू कर रहे हैं तो आपको ये पास ये होना ही चाहिए। ये जो तीन मशीन हैं जो आपके पास होना चाहिए, जैसे स्पॉट वेल्डिंग मशीन, कैपेसिटी टेस्टिंग मशीन, और ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये IR टेस्टिंग मशीन। और उसके बाद जैसे आप बैटरी पैक बना लेते हैं तो उसको आपको बैलेंस करने के लिए नॉर्मली जो रहता है 4 एम्पियर का ये बैलेंसिंग मशीन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 एम्पियर का ये कैपेसिटर बेस्ड बैलेंसिंग मशीन है। इससे आप बैटरी को बैलेंस वगैरह कर सकते हो। और यहाँ पर बहुत सारे BMS रखे हुए हैं अलग अलग, आपको जो भी स्पेसिफिकेशन का BMS चाहिए और जनरली जो यूज़ होता है वो BMS हमारे पास वाटरप्रूफ मॉडल में आपके पास हमारे पास आपको आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये XT60 है, XT60 अगर आपको चाहिए तो हम विदाउट वायर ही अभी देना प्रेफर कर रहे हैं। और इस प्रकार का ये इसमें XT60 रहता है देखिए, और इसमें ब्लैक कलर का कैप भी मिलता है आपको, तो ईजी टू यूज़ होता है काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इंडक्शन कनेक्टर इस प्रकार का XT60 पे आता है, ये मेल फीमेल दोनों रखी हुए यहाँ पे, उसके साथ ये कैप भी मिल जाती है। और जब आप बैटरी पैक का किसी बॉक्स वगैरह में पैक करते हैं तो उसके बाद आपको ये चाहिए होता है PG ग्लैंड चाहिए होता है, तो PG ग्लैंड इस प्रकार से आपको मिल जाएंगे अलग अलग साइज़ में, PG 7, PG 9, PG 11, PG 12, तो अलग अलग प्रकार के आपको जो मिल जाएंगे। और अगर आप बैटरी की कैपेसिटी
कितने परसेंट बैटरी दिखा बची हुई है, तो वो अगर आपको चाहिए तो ये आपको हमारे पास मिल जाएगा करीब 600 रुपीज़ का, हमने आपको पहले भी दिखाया हुआ है। और मेरे पास कुछ भी यहाँ पे आए हुए हैं, ये देखिए मिनी वोल्ट मीटर 0 to 30 volt जिसमें वोल्टेज दिखता है, वो भी मेरे पास कुछ पीस अवेलेबल हैं। ऑर्डर करना अगर आप करना चाहते हैं तो ऑर्डर करने से पहले इसको कंफर्म कर लीजिएगा, शायद 2 या 3 पीस मेरे पास ये वाले अवेलेबल हैं। और 0 to 100 volt वाले क्वांटिटी में मेरे पास अभी अवेलेबल हैं। ये इसकी प्राइस करीब 250 रुपीज़ की होगी। ये 0 to 100 volt दिखाता है और ये 0 to 30 volt दिखाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं डबल साइड टेप रखा हुआ है और इसके बाद फिलामेंट टेप है। अगर आप पॉक्सी शीट, तो ये फिलामेंट टेप है, ये पॉक्स शीट के साथ बहुत अच्छे तरीके से स्टिक होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा है, ये पॉक्स शीट दिख रही है, ये 1 mm के हमारे पास थिकनेस है। और इसका साइज़ मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये दिख रहा है आपको, ये फिलामेंट टेप है, ये 2 inch का साइज़ है और ये 1 inch का साइज़ है। 1 inch का साइज़ के प्राइस है 150 रुपीज़ और 2 inch वाले का साइज़ है 300 रुपीज़। तो 300 रुपीज़ पर पीस और ये 150 रुपीज़ पर पीस आपको ये मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए सेल होल्डर रखे हुए 1/2 के और 1/3 के, ये सेल होल्डर है। 1/2 और 1/3 पे हमारे पास 32650 पे अवेलेबल है और 1/3 पे हमारे पास लिथियम आयन के लिए सेल होल्डर अवेलेबल है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं बाले पेपर का ये शीट होता है 65 mm विड्थ के साथ, हमारे पास ये अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए ये भी आपको मिल जाएगा। और जितने भी वीडियो के प्राइस है वो आपको वीडियो के 3rd मिनट पे, अगर आप इसे प्राइस देखना चाहते हैं तो वीडियो के 3rd मिनट पे सारी प्रोडक्ट की प्राइस लिस्ट अपलोडेड है, आप वहाँ पे आके प्राइस लिस्ट देख सकते हैं। और अपना ऑर्डर कंफर्म करने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं मुझे क्या क्या चाहिए है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये HX TV ग्रेड के सेल हैं, ये देखिए हाई क्वालिटी के सेल है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप यूज़ करें कुछ भी तो HX से यूज़ करें, क्योंकि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आती है। और भी ब्रांड से एबीटेक में मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम समझ में आई, तो इसलिए मैं उसको यूज़ नहीं करता हूँ, मैंने उसको यूज़ करना बंद कर दिया है। करीब में से मैंने उसको करीब 1.5 साल से इस्तेमाल नहीं किया एबीटेक, उस जब से मेरे पास HX आया तब से मैं सिर्फ HX पे ही काम कर रहा हूँ, एबीटेक पे काम नहीं करता हूँ, क्योंकि एबीटेक में प्रॉब्लम है। और जनरली मैं उस पर रूफर आयन पे मैं रूफर इस्तेमाल करता हूँ और ये बाग के इस्तेमाल करता हूँ। और PSS भी PSS के भी सेल है हमारे पास अवेलेबल हैं, अभी बाग के अवेलेबल नहीं है। PSS पावर के 3C है, इसकी कैपेसिटी हमने चेक करी है तो करीब 2600 mAh के आसपास, 2610-2650 के mAh के आसपास इसकी कैपेसिटी निकल के आती है। आपको ये चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। इसकी इंसुलेशन रिंग भी हमारे पास अवेलेबल है और इसकी इंसुलेशन रिंग ये देखिए 3260 के 10,000 pieces पे हमारे पास बंडल पे बंडल आते हैं। तो इस प्रकार के इंसुलेशन सीट अभी हमारे पास नई वाली आई है, पहले दूसरे साइड दूसरे टाइप की रहती रही, इस बार हमारे पास दूसरे टाइप की इंसुलेशन रिंग आई है। तो आप में से जिसको चाहिए तो इंसुलेशन रिंग भी मिल जाएगी। और अगर आप इसके बाद बैटरी बना लेते हैं, उसके बाद आपको बैटरी पैक करने के लिए हीट सिंक चाहिए होती है, तो इस पर अलग अलग साइज़ पे हमारे पास हीट सिंक अवेलेबल है। हमने सिर्फ अभी दिखाने के लिए 2 पीस रखे हुए हैं। और हीट सिंक को श्रिंक करने के लिए मैक्स का हीट गन, जब से हमने काम शुरू किया है मैं आपको बता दूं, हम ये मैक्स का हीट गन जो इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले तो हम दूसरी कंपनी का इस्तेमाल करते रहे, उसके बाद लगभग हमको 2 से 2.5 साल होने लगा मैक्स का हीट गन हम कंटिन्यूसली इस्तेमाल कर रहे हैं। आज तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कंटिन्यूसली प्रॉपरली वर्क कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का हीट गन है। आप अगर इसको ऑर्डर करते हैं, जब अपने हाथ में आप इसको लोगे तो आपको फील हो जाएगा कितनी ज़्यादा क्वालिटी का है ये हीट गन है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। 2 साल से हम यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यूसली, लेकिन इसमें कभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको भी आप चाहिए तो ऑर्डर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो पर बताया था कि प्योर और इम्प्योर निकल का कैसे हम पता लगा सकते हैं कि सामने वाला प्योर दे रहा है कि इम्प्योर दे रहा है। प्योर की देखिए, प्योर निकल स्ट्रिप की खासियत रहती है, प्योर निकल स्ट्रिप की खासियत रहती है, इसमें प्योर लिखा रहता है, निकल 201 रहता है। और इसमें देखिए थोड़ा सा ग्रीनिश कलर का शेड आ रहा है, देखिए ग्रीनिश कलर का शेड आ रहा है, ये प्योर है। जब आप क्वांटिटी में रखते हैं, रैप करके रखते हैं, तो ये एयर के साथ जो रिएक्शन निकल करता है तो हल्का सा उस पर ग्रीनिश शेड आता है। और अगर इसका आप एक्वेरेजिया बनाते हैं तो ग्रीन कलर का एक्वेरेजिया बनता है निकल का। मैग्नेट वाला लोग बहुत सारे बोलते हैं कि मैग्नेट टेस्ट करेंगे तो मैग्नेट दोनों पे ही चिपकता है, प्योर पे भी चिपकता है, इम्प्योर पे भी चिपकता है। अगर आप नॉर्मल टेस्ट करना चाहते हैं तो आप निकल स्ट्रिप के दोनों को टुकड़े लीजिए, आपको जिसको बताया गया है वो प्योर है और एक इम्प्योर है, दोनों को लीजिए और दोनों के टुकड़े को थोड़ा सा स्क्रैच करके, जैसा प्लेटेड वाले पर क्या होता है निकल की कोटिंग रहती है और अंदर क्या रहता है स्टील रहता है, तो आप दोनों को स्क्रैच करिए सैंड पेपर से और उसके बाद उसको सॉल्ट वाले वाटर पर डाल के उसको बाहर मतलब नमक वाले पानी पे आप उसको इकट्ठा रख के
पानी में लपेट कर रख दीजिए कपड़े के साथ, और दूसरे या तीसरे दिन जिसमें अभी रस्टिंग आ जाएगी वो वाला रहेगा स्टील वाला, और जिसमें रस्टिंग नहीं आएगी वो रहेगा प्योर। ये मैंने आपको सबसे सिंपल टेस्ट बताया, बाकी आप एक्यूरेसी से देख सकते हैं। और ग्रीनिश शेड बहुत ज़्यादा अगर क्वांटिटी में लेते तो हल्का सा ग्रीनिश शेड आता है। और ये 32650 का क्या रखा हुआ है, निकल स्ट्रिप रखा हुआ है, तो वो भी आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएगा हमारे पास। 3250 3700 प्लेन पे भी मिल जाएगा और एच टाइप पे भी मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं चार्जर्स रखे हुए हैं, 72 वोल्ट के चार्जर, जो भी चार्जर चाहिए। अभी हमारे पास 10 एम्पेयर के ही मॉडल पे चार्जर पे अवेलेबल हैं, 10 एम्पेयर से कम के मॉडल के चार्जर अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो 10 एम्पेयर के अगर आपको चार्जर चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव प्राइस में आपको चार्जर्स मिल जाएंगे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जो भी चीज़ें आपको चाहिए वीडियो के 3rd मिनट पे प्राइस लिस्ट अपलोडेड है, वहाँ पे जाके आप प्राइस लिस्ट अपलोड कर देख सकते हैं। और जिस किसी को भी बैटरी ट्रेनिंग प्रोग्राम पे हिस्सा लेना है तो कृपया करके अपने सीट रिज़र्व करके जल्दी से जल्द आ जाइए, क्योंकि अगली ट्रेनिंग प्रोग्राम शायद अप्रैल पर हो, मार्च में नहीं होने वाला, या फरवरी जो ये बैच जो चल रहा है उसके बाद शायद बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो अगला बैच जो जाएगा वो अप्रैल पे जाएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।